भ्यासकुल क्लासेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटर्जेंट्स एंड सॉप्स के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन डिटर्जेंट क्या होते हैं ये एक वाटर सोल्यूबल क्लींजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है नंबर वन ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि वाटर में सोल्वेबल होते हैं जो कि कंबाइन करते हैं इम्प्योरिटीज के साथ एंड डर्ट टू मेक दैम सोल्यूबल और बाद में वो उसको खींच लेते हैं ठीक है सोप और डिटर्जेंट में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि के साथ झाग बनाती है डिटर्जेंट आपको देखने को मिलेगा सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर दोनों के साथ झाग है। बनाते हैं बिकॉज क्यों बनाते हैं ऐसा क्यों करता है बिकॉज द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ डिटर्जेंट आर सोल्यूबल इन द वॉटर इस वजह से क्योंकि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं डिटर्जेंट के वो पानी में घुलनशील होते हैं केमिकली डिटर्जेंट इज अ सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रोंग एसिड केमिकली डिटर्जेंट में क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रोंग एसिड का एक सॉल्ट होता है जिसका हाई मॉलिकुलर वेट होता है हुइन और कैटाइन हैज अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है सोडियम लॉरिल सल्फेट ये अनाइनिक सरफेस सरफेस एटेंट है विद अ लॉन्ग चेन ऑफ ट्वेल्व कार्बन का्बन एटम्स द एक्वे सोल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट इज न्यूट्रल सो इट इज़ यू टू क्लीन द कलॉथ मेड फ्राम द डेलीकेट फाइबर्स जो एक्वे सोल्यूशन होते हैं डिटर्जेंट का वो न्यूट्रल होते हैं तो इस वजह से उसे आप मतलब डेलीकेट फाइबर्स को वॉश आउट करने के लिए यूज कर सकते हो अगर हम सॉप्स की बात करें सॉप्स आर सोल्ट ऑफ सॉप्स एक टाइप के सॉल्ट है किस चीज़ के फैटी एसिड्स के वेयर एज फैटी एसिड्स आर द सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स फैटी एसिड्स क्या होते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनकी लंबी लंबी चेन्स होती है जैसे पंद्रह कार्बंस ठीक है 17 कार्बंस सोप जो बनते हैं वो सैपोनिफिकेशन बोलते हैं प्रोसेस को क्या बोलते हैं सैपोनिफिकेशंस सैचुरेटेड फैट्स गिव हार्ड सोप एंड वेजिटेबल

ठीक है सेपोनीफिकेशन प्रोसेस होगी फिर फिलर्स <persesan> फिलर्स आर द सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू सॉप टू सोप टू मेक इट मोर यूजफुल फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन जैसे कि मतलब सोडियम रोसिनेट तो अगर आप ऐड करोगे तो ये लॉन्ड्री सोप बन जाएगी क्या करेगी सोडियम लॉसिनेट रोसिनेट ऐड करोगे तो लॉन्ड्री सोप गिल्स रोल ऐड करोगे तो वो शेविंग सोप बन जाएगी सोडियम सिलिकेट ऐड करोगे तो वो ड्यूरेबिलिटी सोप की इंक्रीज कर देगी ठीक है रैपिड ड्राइंग ऑफ द सोप इज प्रिवेंटेड एंड हेंस हार्डनर ऑफ द सॉप बार सल्फर को अगर ऐड करोगे तो वो एंटी एक्ने बार्स बन जाएंगी तो डिपेंड करेगा कि आपको कैसी सॉप चाहिए आपको लॉन्ड्री सॉप चाहिए आपको शेविंग चाहिए एंटी एक्ने सॉप चाहिए क्या कौन सी चाहिए तो अकॉर्डिंगली आप सोडियम रोसिनेट गिल्सरोल सोडियम सिलिकेट सल्फर ये ऐड करो तो क्वेश्चन देखते विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सॉप्स वेजिटेबल ऑयल को यूज करेंगे हम सॉप रिमूव ग्रीस बाय इ्सिफिकेशन का प्रोसेस होते हैं डिटर्जेंट क्या होता है। डिटर्जेंट मेडिसिन नहीं होता सोप नहीं होता catalyst नहीं होता, ये refining agent है क्या है refining agent? Detergents used for cleaning clothes are, ये ये होते हैं, ये दो क्वेश्चन देखते हैं एक UPPCS में और आई एस में, में पूछा हुआ सोडियम सिलिकेट एंड सोडियम सल्फेट आर मिक्स एज डिटर्जेंट्स इन द वॉशिंग पाउडर सो दैट टू मेंटेन ड्राइनेस ऑफ द पाउडर टू मेंटेन बेसिसिटी ऑफ द पाउडर दोनों ही ऑप्शन ठीक है डिटर्जेंट्स में बेसिकली ये दोनों मिलते हैं ना सोडियम सिलिकेट और सोडियम सल्फेट तो पर्पस ये है कि ड्राइनेस और बेसिसिटी को मेंटेन रखने के लिए डिटर्जेंट इजी रिमूव ऑयल एंड डर्ट क्यों डिटर्जेंट इंक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा आर वाला ठीक है ऐड तो तो करते हो तो सरफेस टेंशन क्या होती है कम होती है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है फिर यूपीएससी में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन मेक मोर लैदर लाथर इन द हार्ड वाटर मतलब बहुत ज्यादा झाग बना सकते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट हार्ड वाटर में क्यों क्योंकि सिंथेटिक डिटर्जेंट फॉर्म सोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट विद द हार्ड वाटर तो इसमें ये दोनों ट्रू है ठीक है तो सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में आपको बेसिकली थोड़ी बहुत चीजें याद रखनी है डिटर्जेंट होता है कि आप वॉटर ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसका बना होता है और सोप और डिटर्जेंट में कौन किसके साथ झाक बनाता है सॉफ्ट वाटर के साथ या हार्ड वाटर के साथ इस तरीके के क्वेश्चन सो so पढ़ते रहिए प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यासकुल्लासेज के साथ तो ये था हमारा सॉप एंड डिटर्जेंट